सामने आज खड़ी है S1 Air एंड बगल में है S1। तो गाइस ये है जनरेशन 2, तो S1 को ही S1 Air बना दिया गया है। हम कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं कि जेन 1 बेस्ट है या जेन 2 बेस्ट है। उसमें आपको देखने को मिलेगी हब मोटर और इसमें आपको देखने को मिड ड्राइव IPM। फ्रंट पे इसमें आपको सॉकर देखने को मिलेगा, ट्विन टेलीस्कोप फॉग। जेन 1 में आपको देखने को मिलेगा सिंगल फॉग। एंड गाइस अब आते हैं राइडिंग रेंज में, जो सबसे मेन पॉइंट होता है कस्टमर के लिए कि सब भाई राइड रेंज कितना देती है फुल चार्ज में। एंड सबसे हाईलाइट पॉइंट चीज जो मुझे एयर S1 में बहुत बेकार लगी, व्हाट्सअप एवरी वन दिस साइड इज अकाशिंग, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस अपने सामने आज खड़ी है S1 Air एंड बगल में है S1। तो गाइस ये है जनरेशन 2, तो S1 को ही S1 Air बना दिया गया है तो ओला वालों ने, तो जेन 2 में कुछ ऐसा निकाला है तो देख सकते हो। तो आज हम कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं कि कौन सी बेस्ट है एंड क्या क्या जेन 2 में क्या क्या अलग अलग फीचर्स आए हैं। तो अभी गाइस आप सोच रहे हैं कि ऐसी आड़ी टेढ़ी क्यों खड़ी है, सामने क्यों खड़े क्यों नहीं बना रहे भाई, अभी भी चार्जिंग पे लग रखी है एंड दूसरी गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती। एंड आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ये चलती फिरती रोड है, यहाँ पे वॉइस बहुत ज़्यादा आएगी, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो देन मैंने सोचा मोटो व्लॉगिंग सेटअप में ही व्लॉग क्यों ना बनाया जाए, तो अब व्लॉग स्टार्ट करते, ज़्यादा बात नहीं करते। तो गाइस हम बताने वाले हैं कि जेन 1 बेस्ट है या जेन 2 बेस्ट है एंड क्या क्या नए फीचर आए हैं जेन 2 में। तो देख सकते हो सब, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कलर ग्रेडिंग, तो भाई तो ऐसा कलर आपको कहीं भी नहीं देखना होगा। तो अपनी जेन 2 ने कुछ चटक मटक कलर निकाला है अपना, ग्रीन में बोल दो, तोते वाला ग्रीन है ये, तो देख सकते हो। एंड ये है अपनी मैट ब्लैक S1, तो दोनों ही ज़बरदस्त लग रही है एंड दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लुक है, कहने मतलब 80% सेम है। थोड़ा हल्के फुल्के S1 Air में चेंजेस किए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हाईलाइट पॉइंट में आते हैं इसके सस्पेंशन में। तो गाइस आप देख सकते हो सस्पेंशन यहाँ फ्रंट पे, इस पर आपको सॉकर देखने को मिलेगा, ट्विन टेलीस्कोप फॉग। जेन 1 में आपको देखने को मिलेगा सिंगल फॉग। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके बैक साइड सस्पेंशन की, बैक साइड सस्पेंशन देखने को मिलेगा डुअल सस्पेंशन एंड इसमें आपको देखने को मिलेंगे मोनो सस्पेंशन, देख सकते हो। एंड सबसे बोलो प्रैक्टिकली चीज़ फुट रेस्ट, तो देख सकते हो यहाँ पे फुट रेस्ट में यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत अच्छी करा गया है इस बार, यहाँ पे प्लेन कर दिया गया है, बट यहाँ पे प्लेन नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे थोड़ा बम्प है, यहाँ पे आपको सामान नहीं रह सकते। ये चीज़ काफ़ी टाइम से कंप्लेंट थी कस्टमर की, तो अब इम्प्रूव किया गया है बोलो नेक्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन कर दी गई है। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसकी ग्रैब रेल, तो देख सकते हो भाई इसकी ग्रैब रेल, कोई भी पिलियन बैठ रहा है ना फुल कॉन्फिडेंस से बैठ सकता है, इसकी ग्रैब रेल बहुत ज़्यादा सही है। एंड इसकी ग्रैब रेल आपको दिखाते हैं भाई साहब, जो उसकी ग्रैब रेल है ना ये हिलती हिलती है ग्रैब रेल, पिलियन को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बैठते टाइम, डर लगता है बिकॉज एक तो कंफर्ट नहीं है और एक ही हिलती है, शेकिंग होती है उसकी, हिलती नहीं है। पे देख सकते हो बोलो सिंगल आर्म यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है, रियर सस्पेंशन इसका। एंड इधर दिखाते हैं आपको बैक साइड में, ये चीज़ बोलो तो इम्प्रूव कर गई गई है S1 Air में। आप देखते हैं S1 Air में, तो S1 Air में आपको डुअल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक ये रहा सस्पेंशन और एक ये रहा सस्पेंशन, तो ये चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। तो आप ना बोले तो अब डर नहीं है किसी भी गड्ढे वड्ढे का, बिकॉज यहाँ पे ये होता था भाई ये जो फ्रंट सस्पेंशन है सिंगल सस्पेंशन ये टकराता है अगर आप थोड़ा ओवर स्पीड में हो, अगर विथ पिलियन के साथ हो तो पीछे वाला भी टकराता है, बट यहाँ पे आप पिलियन के साथ हो या ना हो आप टेंशन फ्री रहो, फ्री माइंड होकर राइड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, क्योंकि आगे भी डुअल सस्पेंशन दिए गए एंड पीछे भी डुअल सस्पेंशन दिए हुए हैं। तो S1 Air के भैया प्लस पॉइंट है, बता दें नेगेटिव पॉइंट, तो गाइस ऐसे देख सकते हो बिल्कुल। अब चारों तरफ मैं दिखा दो जेन 1 के, तो भाई जेन 1 में ना ये जो लुक है ना ये जो बोलो यहाँ से खाली खाली रहता है भाई, प्रीमियम लुक आता है। और फ्रंट से भी देख सकते हो सिंगल सस्पेंशन है, लुक में देखा जाए भाई S1 बोले मुझे बहुत अच्छी लगती थी जो फर्स्ट जनरेशन है, देखो कितना प्रीमियम लुक आता है फ्रंट से भी देख सकते हो। बट अब आते हैं S1 Air में, S1 Air में ना ये जो फ्रंट लुक दे रखे हैं ना ड्यूल सस्पेंशन, तो ये ना एक ना नॉर्मल लुक हो गया, देख सकते हो जैसे कि हर स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सामने वो खड़ी हुई है जुपिटर, उसमें भी देखो नॉर्मली ड्यूल सस्पेंशन दिए, इसमें भी ड्यूल सस्पेंशन दिए गए, तो एक तरीके से ये एक नॉर्मल लुक है। एंड पीछे से भी देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पे पीछे की साइड में स्विंग आर्म दिया गया हुआ है, तो इसी चक्कर में भाई साहब ये जो पीछे का लुक है ना ये थोड़ा ना एक ना नॉर्मल जो बैटरी स्कूटर होते हैं ना उनकी तरह लग रहा है। तो पीछे एक मोटर भी लगा रखी है, तो मोटर ये जो सीन है ना ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है काइंड ऑफली, देख सकते हो इससे ना वो लुक ना निखर के नहीं आ रहा, प्रीमियम लुक नहीं आ रहा, तो बस एक यही रीज़न है। तो लुक के मामले में ना भाई जेन 1 बेस्ट थी, जेन 2 इतनी बेस्ट नहीं है, कलर ग्रेडिंग में जेन 2 बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास जेन 1 में, जेन 2 में लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट लुक के हिसाब से देखा जाए ना ये थोड़ा ना एक बोले तो नॉर्मल लुक है, वो थोड़ा प्रीमियम लुक लग रहा है ऐसा कंपेयर टू देखा जाए तो लुक के हिसाब से। बट कंफर्ट जोन में आते हैं, कंफर्ट जोन में तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक फुट रेस्ट बोल दो, फुट रेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया है एंड डिग्गी इसमें 34 लीटर की, उसमें भी 34 लीटर की, तो डिग्गी के हिसाब से देखा जाए, बूट स्पेस के हिसाब से देखा तो दोनों में सेम देखने को मिलेगा, बट बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब इसमें A1 क्वालिटी है, तो देख सकते हो
एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम ही है, बट कहने का मतलब ग्रैब रेल ये जो चीज़ है ना ये बहुत अच्छी लग रही है देखने के हिसाब से। तो काइंड ऑफली कहने का मतलब ये जो छोटी छोटी पहले दिक्कत कर रखी थी ना एस ओला वालों ने, तो जेंटू में वो जो जितनी भी कंप्लेंट्स थी ना कस्टमर की वो सारी इन लोगों ने बोलो क्लीन कर दी गई है, अब कोई कंप्लेंट नहीं है। बट हाँ लुक में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ किया गया जेंटू में, बट एज ए कम्पेयर टू देखा जाए ग्रैब रेल बहुत अच्छी बना दी है, बूट स्पीड्स अच्छे बना दिए गए हैं। तो कहने का मतलब यही है। और जो अपना सबसे मेन चीज़ पॉइंट ये जो पॉइंट है ना ये ना टूट जाता था बहुत जल्दी, बट यहाँ पे भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी गई है, ये टूट नहीं रहा। एंड स्पीकर का कुछ ऐसा इन लोगों ने बना रखा है इस बार का सेटअप, तो भी स्पीकर है, स्पीकर का बोले तो सेटअप पूरा सेम दिया गया है। एंड अब आते हैं इसके पावर में कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, क्या क्या अलग अलग पावर दिए गए हैं। तो गाइज अब बात करते हैं पावर में, तो गाइज की मैक्स पावर आपको देखने को मिलेगी 6000 की, एंड इसमें देखने को मिलेगी 8500 की पावर देखने को मिलेगी। एंड इसमें रेट पावर वाट की बात करते हैं, रेट पावर इसमें देखने को मिलेगी 2700 की देखने को मिलेगी, इसमें आपको देखने को मिलेगी 5500 की इसमें आपको देखने को मिलेगी। मैक्स टॉर्च में आपको देखने को मिलेगा 55 का, एंड जेन 1 में आपको मैक्स टॉर्च देखने को मिलेगा 58 का। एंड गाइस अब आते हैं राइडिंग रेंज में, जो सबसे मेन पॉइंट होता है कस्टमर के लिए कि सब भाई राइड रेंज कितना देती है फुल चार्ज में। देखा जाए जो कंपनी ने क्लेम करी गई है तो उसमें राइडिंग रेंज आपको देखने को मिलेगी 151 की, बोले तो 151 की आपको रेंज देखने को मिलेगी जो कंपनी क्लेम करती है। एंड इसमें आपको देखने को मिलेगी S1 में जेन 1 में आपको देखने को मिलेगी 135 की इको मोड में जो कंपनी क्लेम करती है। तो देखा जाए रेंज में बहुत ज़्यादा ये आगे निकल चुकी है। एंड कब वेट दोनों में देखा जाए जेन 1 आपको देखने को मिलेगा 125 केजी का, एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा कब वेट 116 का, बोल तो 116 का केजी वेट आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो देखा जाए लाइट भी है, एंड देखा जाए बोले तो रेंज इस चक्कर में इंक्रीज हो गई है इसकी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी गई है। एंड मोड की बात करते हैं, मोड दोनों में सेम दिखे जाएगा जेन 1 जेन 2 में, मोड में कोई ज़्यादा बोले तो डिफरेंस नहीं है, वो कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। मोड तो तीनों ही देखे जाएंगे, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड, ये तीनों मोड जेन 1 में जेन 2 में दोनों में देखने को मिलेगा आपको। एंड ट्रांसमिशन गाइस में आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक जेन 1 जेन 2 में, उसमें आपको देखने को मिलेगी हब मोटर, एंड इसमें आपको देखेंगे मिड ड्राइव IPM। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, जेन 1 में आपको 3 वाट की देखने को मिलेगी, एंड सेम ही जेन 2 में भी आपको 3 वाट की देखने को मिलेगी। बैटरी टाइप आपको दोनों में लिथियम देखने को मिलेगी जेन 1 जेन 2 में। चार्जर भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा पोर्टेबल चार्जर, जेन 2 में देखते हैं किस साइड है पोर्टेबल चार्जर, हाँ ये रहा, दिस साइड इज पोर्टेबल चार्जर जेन 2 में, एंड जेन 1 में भी इधर को यही देखने को मिलेगा आपको पोर्टेबल चार्जर। तो गाइस चार्जर आउटपुट की बात करते हैं, चार्जर आउटपुट में देखने को मिलेगा 750 वाट का, इसमें भी 750 वाट का देखने को मिलेगा। एंड सबसे हाईलाइट पॉइंट चीज जो मुझे एयर S1 में बहुत बेकार लगी वो है इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी नॉर्मली ड्रम, फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको ड्रम देखने को मिलेगी। एंड इसमें जेन 1 में आपको देखने को मिलेगी डिस्क, तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपने जेन 1 में डिस्क दिए गए हैं ना तो जेन 2 में भी आपको डिस्क देने चाहिए थे। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ड्रम दिए गए, तो ये नॉर्मली और बाइकों की तरह बोलो और स्कूटरों की तरह नॉर्मली लग रही है, अगर इसमें डिस्क दी होता तो हमें मज़ा आ जाता चलाने में, तो वही को कॉन्फिडेंस आता चलाने में। एंड इसकी भी टेस्ट ड्राइव वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे कि ब्रेकिंग इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही है दोनों का, आई थिंक सो मेरे हिसाब से ये थोड़ी महंगी है, तो भाई डिस्क देना चाहिए था और जेन 2 में भी। एंड गाइस व्हील टाइप इसमें देखने को मिलेगी, व्हील भाई स्टील वाले दिए गए दोनों फ्रंट एंड रियर में, एंड इसमें अलॉय दिए गए, देख सकते हो भाई क्या लुक आता है भाई जेन 1 में। आगे से सिंगल सस्पेंशन, हाँ बट बोल दो कामयाब नहीं है सिंगल सस्पेंशन, बट एज अ लुक के हिसाब से प्रीमियम लुक आता है S1 में, देख सकते हो क्या अलॉय दे रखी है। एंड फ्रंट का तो बहुत अलग ही दिखता है, रियर का भी भाई इंसेन लुक दिखता है, देख रहे हो यहाँ से ना खाली खाली लगता है ना भाई, ये चीज़ ना मुझे बहुत सेक्सी लगती है, ये चीज़ अलॉय दे रखा है। एंड इसमें भाई साहब आपने स्टील दे रखा है, तो कहने का मतलब वो वाली बातचीत नहीं आ पा रही। हाँ कलर ग्रेडिंग में है ना, बिल्ड क्वालिटी में आपने इन्हेंस किया है, बट ऐसा नीचे के हिसाब से टायर वायर में ब्रेकिंग में वो चीज़ ना भाई एक कॉमन लग रहा है कहने का मतलब। एंड दोनों में टायर साइज़ सेम देखने को मिलेगा 110, 70, 12, तो दोनों का टायर साइज़ सेम ही है, आपको टायर साइज़ दोनों में सेम देखने को मिलेगा 110, 70, 12। जेन 1 में आपको कब वेट देखने को मिलेगा 125, एंड उसमें देखने को मिलेगा 108, मैंने पहले 116 बोल दिया गया था, वो 116 नहीं 108 देखने को मिलेगा। एंड सीट हाइट इसमें आपको देखने को मिलेगी 792, एंड सेम उसमें भी देखने को मिलेगी 792। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं भाई, ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है दोनों का 165 है, एंड इसमें भी 165 का देखने को। तो गाइस आप बात करते हैं ओवरऑल विथ की, ओवरऑल विथ आपको देखने को मिलेगी 688 की, एंड इसमें देखने को मिलेगी 712 की, तो इसकी ओवरऑल विथ देखा है तो इसकी बड़ी है एज ए कम्पेयर टू जेन 2 के हिसाब से। तो गाइस जेन 2 में आपको ओवरऑल हाइट देखने को मिलेगी 1166 की, एंड इसमें आपको ओवरऑल
हाइट देखने को मिलेगी 1160 की। तो एज अ कम्पेयर टू देखा जाए ये थोड़ी लंबी है, एज अ इसके कुछ पॉइंट बोलते 6 पॉइंट ये लंबी है। एंड दोनों में भाई साहब बूट स्पीड आपको देखने को मिलेगा 34 लीटर का जेन 1 जेन 2 में। तो एज अ कम्पेयर टू देखा जाए सब चीज़ बढ़िया है। तो गाइस मैंने फीचर परफॉर्मेंस सब कुछ बता दिया ब्रेकिंग से लेके, अब मैं बताने वाला दोनों के माइनस पॉइंट, दोनों में माइनस पॉइंट क्या है जेन 1 जेन 2 में। तो गाइस जेन 1 में जो फुट रेस्ट है ना, तो ये फ्लैट होता ना तो ये ज़्यादा बेस्ट होता, तो फ्लैट नहीं दिया, थोड़ा बम्पी सा दिया गया है। तो इस चक्कर में अपने कोई पर्सनल आप सामान कुछ नहीं रख सकते घर के सामान। एंड सेकंड पॉइंट, अनइम्प्रेस प्लास्टिक क्वालिटी, जो इसकी क्वालिटी है ना प्लास्टिक की वो इतनी अच्छी नहीं है जेन 1 की। अब बात करते हैं जेन 2 की, माइनस पॉइंट बस यही दो चीज़ मुझे लगे जेन 1 की, बात करते हैं जेन 2 की, जेन 2 में क्या क्या माइनस पॉइंट है। एंड फर्स्ट पॉइंट प्राइस ऑन द हाई साइड, बोलो इसका प्राइस थोड़ा महंगा है एज अ कम्पेयर टू जेन 1 के हिसाब से देखा। एंड जो कस्टमर क्लेम करते हैं इसकी रेंज की, ये खाली 101 किलोमीटर चलती है। थर्ड पॉइंट सबसे बोले तो सेफ्टी पर्पज से ले लो, कोई सी पर्पज से ले लो, इसके ड्रम ब्रेक, इस पर ड्रम नहीं देने चाहिए, इसमें डिस्क देना चाहिए। एक तो उसका प्राइस भी हाई है, दूसरा इसमें बोले तो सेफ्टी के चक्कर में, बोलो सेफ्टी पॉइंट पे देखा जाए तो ड्रम दे रखे, ऐसा डिस्क देते तो बोलो सेफ्टी पर्पज से बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता। एंड बोले कॉन्फिडेंस ज़्यादा राइड करते हुए। तो प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है, प्राइस ये देखने को मिल रही है ऑन रोड 1,31,000 की, एंड ये मैंने जब ली थी ये थी मेरी 1,10,000 की। तो 20,000 का लमसम डिफरेंस है। एंड गाइज अभी भाई निकाल रहे हैं, तो अभी हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो गाइज वीडियो कैसी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसी नेक्स्ट ही बड़ी वीडियो मिलेगा। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक लैम्पी। एंड अभी टेस्ट ड्राइव की वीडियो आने वाली है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो देन आपको टेस्ट ड्राइव की वीडियो मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, टिल देन बाय बाय।